हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डबल इंटीग्रेशन में चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होता है? ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन चेंज। जो लिमिट्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। टू फाइंड द न्यू लिमिट्स ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। सम ऑफ द प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद डबल इंटीग्रल्स विच सीम टू बी कॉम्प्लिकेटेड कैन बी मेड इजी टू हैंडल बाय अ चेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इसमें हमें करना कुछ भी नहीं पड़ता है। जो भी हमें लिमिट्स गिवन होती हैं, पहले हम उसका रफ डायग्राम बनाते हैं, देन हम उससे दूसरी लिमिट्स फाइंड आउट करते हैं और एक्स और वाई की लिमिट्स चेंज कर देते हैं। और उससे यदि हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है इंटीग्रेशन में, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज इवेलुएट इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट, सेकेंड इंटीग्रल लिमिट्स एक्स टू इनफाइनाइट, फंक्शन इज ई रेज टू द पावर माइनस वाई अपॉन वाई डी एक्स डी वाई। ओके, सो इस इंटीग्रल को हमें सॉल्व करना है। अब इस इंटीग्रल में जो लिमिट्स हमको गिवन है, वो हमको दे रखी है वाई की लिमिट से वाई इज इक्वल टू एक्स टू वाई इज इक्वल टू इनफाइनाइट, एंड एक्स की लिमिट है एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो जो लिमिट्स हमको गिवन है, सबसे पहले हम उन लिमिट्स के लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे और फिर उस डायग्राम से हम लिमिट्स चेंज करेंगे। अब देखिए, इसमें ये हमने डायग्राम बनाया y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन बन जाएगी आपकी जो ओरिजिन से पास हो रही है। अब इसमें देखिए कि जो हमको लिमिट गिवन है एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो दैट मीन्स कि एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तक जा रहा है। और वाई की लिमिट हमें दी हुई है वाई इज इक्वल टू एक्स टू इनफाइनाइट, मतलब वाई की वाई इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन हो गई और इससे इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हमने क्या करा कि इसमें स्ट्रिप्स बनाए, एक स्ट्रिप को हमने पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाया और एक हमने पैरेलल टू वाई एक्सिस बनाया। सो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, द शेडेड पोर्शन ऑफ द फिगर इज देयरफॉर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वी फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स जो हमने बनाई है आर एस विच एक्सटेंड्स फ्रॉम एक्स इज इक्वल। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या, इस पॉइंट पर क्या होगा एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड इस पॉइंट पर क्या होगा एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो एक्स की लिमिट क्या हो जाएगी अब जीरो से वाई, जबकि पहले क्या थी जीरो टू इंफिनिटी। टू कवर द गिवन रीजन वी देन इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू वाई फ्रॉम वाई। अब वाई की लिमिट के लिए हम पैरेलल टू वाई एक्सिस स्ट्रिप बनाएंगे पी क्यू। अब इसमें देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू, अब इसमें जो लिमिट्स जाएंगी वो हमारी कहाँ से कहाँ तक जाएगी y इज इक्वल टू जीरो टू y इज इक्वल टू इनफाइनाइट चेंज हो जाएगी, मतलब जो x की लिमिट थी वो y की हो जाएगी और y x की जो लिमिट हमने चेंज करी है वो हमारी इस इन स्ट्रिप्स से सॉल्व हो जाएंगी जो हम पैरेलल टू x एक्सिस इस डायग्राम पर बनाएंगे। तो हमारे पास लिमिट्स क्या आ गई एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू वाई, ये एक्स की लिमिट हो गई चेंज होके, और वाई की लिमिट्स जो एक्स की लिमिट पहले थी वो हो जाएगी वाई इज इक्वल टू जीरो टू वाई इज इक्वल टू इनफाइनाइट। अब हमने क्या करा कि जो हमें इक्वेशन गिवन है जीरो टू इनफाइनाइट लिमिट डी एक्स की है, डी इसके साथ में डी एक्स आएगा, एंड सेकेंड इंटीग्रेशन है जिसमें y की लिमिट x टू इनफाइनाइट है, फंक्शन हमारा e रेज टू द पावर माइनस y अपॉन y। हमने इसके साथ रखा क्योंकि ये फंक्शन y का फंक्शन है, इसलिए हमें ये y की लिमिट्स के साथ में लेना पड़ेगा। अब इसमें क्योंकि लिमिट चेंज हो गई है, अब लिमिट चेंज होके क्या हो गई है जो x की लिमिट थी वो तो y की बन गई यानी जीरो टू इनफिनिटी,
तो ये फंक्शन इसके साथ में आ जाएगा, देन डी वाई भी इसके साथ में आ जाएगा। और जो सेकेंड वाला इंटीग्रेशन है उसमें हमने x की लिमिट लगाई, x इज इक्वल टू जीरो टू x इज इक्वल टू y dx, क्योंकि यहाँ हमारे पास x का कोई फंक्शन है ही नहीं, यहाँ पर 1 आएगा। अब इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट 0 टू y। अब इसमें हमने लिमिट पुट करी तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो y माइनस 0 दैट मीन्स 5 बचेगा। अब वो y यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो y से कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए आप लिमिट 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रल है, y से कैंसिल हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर माइनस y dy, हमारे पास केवल इंटीग्रेशन का फंक्शन बचेगा। अब हमने क्या करा कि इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e रेज़ टू द पावर माइनस y का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या आएगा, e रेज़ टू द पावर माइनस y अपॉन माइनस 1, यहाँ पे कॉन्स्टेंट माइनस 1 है और इसकी लिमिट है 0 टू इंफिनिटी। जब हम इस लिमिट को इसमें पुट करेंगे तो e रेज टू द पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस e रेज टू द पावर माइनस 0, इस माइनस को हम बाहर रख लेते हैं ब्रैकेट। तो अब e रेज टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हो जाएगा और e रेज टू द पावर माइनस 0 1 हो जाएगा, सो वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन e रेज टू द पावर y, माइनस साइन बाहर है, इसको हमने पहले इसमें कन्वर्ट कर दिया फिर हमने इसमें लिमिट रख दी। तो आप पैसे भी रख सकते हो और कन्वर्ट करके भी रख सकते हो, लिमिट आपको रखनी कैसे भी रख सकते हो। ये तो जीरो हो गया 1 इनफाइनाइट, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आया 1। एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। नाउ चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन आई इज इक्वल टू 0 टू 1 लिमिट एंड सेकेंड इंटीग्रेशन में x स्क्वायर टू 2 माइनस x x y dx dy एंड हेंस इवैल्यूएट द सेम। अब हमको इसको इवैल्यूएट करना है, ये हमारी लिमिट्स हैं जिसमें ये लिमिट y की है क्योंकि x की टर्म में है और ये लिमिट हमारी x की है। सो जो गिवन लिमिट है वो क्या है, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू x स्क्वायर टू y इज इक्वल टू 2 माइनस x, ये हमारी गिवन लिमिट है। तो जो लिमिट हमें गिवन है सबसे पहले हम उससे एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। वो डायग्राम हमारा कैसा बनेगा, क्योंकि ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू x स्क्वायर और y इज इक्वल टू 2 माइनस x, एक स्ट्रेट लाइन है, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 तक। तो ये देखिए हमने x इज इक्वल टू 0 कर दी, y इज इक्वल टू 2 माइनस x, ये हमारा पैराबोला बनेगा। ओके, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला, ये पैराबोला y इज इक्वल टू x स्क्वायर और ये लाइन है y इज इक्वल टू 2 माइनस x, इन दोनों का इंटरसेक्शन इस b पॉइंट पर हो रहा है। ओके, जिसके कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं, 1। ये कैसे निकाला हमने, कैसे सॉल्व किया, हमने y की वैल्यू x स्क्वायर इस इक्वेशन से इसमें पुट कर दी, तो ये x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी और x की वैल्यू 1 के लिए y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। इसमें यही है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला y इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड द लाइन y इज इक्वल टू 2 माइनस x इज b 1 1। In the figure below left, we draw a strip parallel to y-axis and the strip y varies from x square to 2 minus x. ये हमने parallel to y-axis strip बनाई है, कहाँ से कहाँ तक vary कर रही है, x square से 2 minus x. And x varies from x is equal to 0 to 1. अब इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने स्ट्रिप बनाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगी। अब क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास जो कर्व है, ये वाला जो कर्व है, इसमें जब हमें एक्स की लिमिट चाहिए तो एक्स की लिमिट यहाँ पर यदि हम स्ट्रिप बनाते हैं तो ये वाली लाइन और ये कर्व की लाइन, और जब हम इसको यहाँ बनाते हैं तो ये कर्व चेंज हो जाता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा,
ये जो बी पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, उससे हम क्या करेंगे, इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे बी सी। तो इससे क्या होगा कि ये जो पोर्शन है हमारा जिसके लिए हमें डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और एक स्ट्रिप तो फर्स्ट पार्ट में सी ओ बी इसमें लेंगे, जिसमें लिमिट हमारी x की 0 से x इज इक्वल टू रूट वाई जाएगी। एंड सेकेंड वाला पार्ट जो है हमारा ए सी बी, इस वाले ट्राइंगल में हम x की लिमिट लेंगे तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है और यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई है, ये x की लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा। जो हमारा सिंगल डबल इंटीग्रेशन था, गिवन था, वो अब हमारा टू स्टेप मतलब टू पार्ट्स में बनेगा और उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, उसके इक्वल आएगा। देखिए आप ये यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पार्ट में x इज इक्वल टू 0 टू 1, ये तो हमारी लिमिट हो गई y की, और x इज इक्वल टू 0 टू रूट वाई ये हमारी x की लिमिट है, तो y के साथ में हमने y dy रख दिया और x x की लिमिट जिस इंटीग्रेशन में उसमें हमने x का फंक्शन रख दिया x dx, प्लस अब सेकेंड वाला जो ऊपर वाला ट्राइंगल बन रहा था डायग्राम में, उसमें हम y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है एक बार फिर से देखिए, इसमें देखिए ये y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से 1 तक जा रही है y की लिमिट, ठीक है। अब इसमें आप देखो कि यहाँ y की लिमिट यहाँ से यहाँ तक कितनी जा रही है, यहाँ इस वाले पार्ट में यदि लेते हैं तो y की लिमिट 0 से इस पॉइंट तक 1 जा रही है और इस पॉइंट से 1 से लेके इस पॉइंट तक जा रही है, तो इस पॉइंट पर कितनी है y की लिमिट, 2 है, ओके। सो यहाँ से 1 से 2 तक हो जाएगी y की लिमिट, वही हमने इसमें लगा रखी यूज की हुई है। अब 0 से 1 लिमिट x dx प्लस दोनों को ऐड करना है हमें पार्ट्स के इंटीग्रेशन को, सो यहाँ पे हो जाएगा y की लिमिट 1 से 2 y dy और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू 2 माइनस y ट्राइंगल में जो हमने स्ट्रिप लिए पैरेलल टू x एक्सिस x dx, ओके। सो जो हमारा डबल इंटीग्रेशन था वो डबल इंटीग्रेशन अब डबल इंटीग्रेशन के इक्वल तो है, लिमिट चेंज हो गई है, बट वो टू पार्ट्स बनने की वजह से दोनों के सम के इक्वल होगा, ओके। सो कभी कभी हमारे डायग्राम ऐसा हो जाता है कि थ्री पार्ट्स में भी चला जाता है और फोर पार्ट्स में भी चला जाता है, तो हम जब लिमिट चेंज करते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में, तो वो डबल इंटीग्रेशन टू टू थ्री, थ्री टू फोर पार्ट्स में भी हो सकता है और सबको हम ऐड कर देंगे तो वो उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x का हमने इंटीग्रेशन किया तो x square by 2, लिमिट हमारी 0 to root y लगा दी हमने, ये as it is रहने दिया, यहाँ से root y रखेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे y बचेगा यानी y by 2, ये आ जाएगा माइनस 0। अब y by 2 ये y इस y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर आएगा, 2 को हमने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया 1/2, सो इंटीग्रेशन 0 टू 1 y स्क्वायर dy फर्स्ट इंटीग्रेशन बना हमारा। सेकंड में हमने यहाँ x का इंटीग्रेशन किया तो x स्क्वायर बाय 2, लिमिट हमारी 0 टू 2 माइनस y, जब हमने 2 माइनस y लिमिट रखी तो 2 माइनस y का होल स्क्वायर अपॉन 2, इस डिनोमिनेटर के 2 को हमने बाहर ले लिया 1/2, लिमिट वही 1 से 2 रहेगी y की, y और ब्रैकेट में 2 माइनस y का होल स्क्वायर dy। अब आप देखिए कि इसमें क्या हो जाएगा, हमने इसको इंटीग्रेट किया, ये हो गया 1/2 y टू द पावर 3/3 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से 1 है, तो फर्स्ट इंटीग्रल यहाँ पे सॉल्व हो गया। सेकंड इंटीग्रल में 1/2 बाहर है, वो एज इट इज रहने दिया, लिमिट हमारी 1 से 2 है, इसका हमने स्क्वायर ओपन किया तो ये 4 माइनस 4y प्लस y स्क्वायर ये बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूले से, और हमने इसमें क्या करा y मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 4y माइनस 4y स्क्वायर प्लस y इनटू dy, यहाँ पर भी क्या आएगा dy आएगा, ओके, क्योंकि इंटीग्रेशन लगा हुआ है इसलिए ये dy यहाँ पर भी लगेगा, तो इसको आप यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है,
इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये y का y स्क्वायर बाई टू बनेगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, ये y क्यूब बाई 3 बनेगा और ये y टू द पावर 4 बाई 4 बनेगा और लिमिट हम लगाएंगे 1 से 2। नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप, ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट हमने लगाई 1 से 2। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट था वो तो सॉल्व करने पर क्या बन रहा है, 1/6 लिमिट पुट करने के बाद। अब इसमें हमने पहले अपर लिमिट रखी 2, तो ये हो जाएगा 4, 4 टू जा 8, ये हो जाएगा 8, 8 4 जा 32 by 3 और ये हो जाएगा 16 by 4 यानी 4, 4 से कैंसिल हो जाएगा 16 माइनस, अब हमने 1 रखा लोअर लिमिट को, तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 4 by 3 माइनस 1 by 4। अब इस पूरे का हमने एलसीएम ले लिया, ओके हमने इसका एलसीएम ले लिया और एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व किया, ये हमारे पास आएगा 5/24। इधर हमारे पास है 1/6 और ये बन रहा है 5/24, जो हमने दोनों का एलसीएम 24 ले लिया, तो ये 4 प्लस यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 4 जा 24, 4 बन जा 4 और 21 24 बन जा 24, 1 5 जा 5, 5 और 4 ऐड होके 9 आ जाएंगे, सो ये कैंसिल होके 3/8 आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ये आंसर हमारा क्या आ गया, 3/8। तो किसी भी तरीके का डबल इंटीग्रेशन हो, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो लिमिट्स गिवन है उसका एक स्केच रफ डायग्राम बनाना है, देन हमें उसको लिमिट्स को चेंज करना है, उस डायग्राम से हमें लिमिट्स सॉल्व करनी है और फिर हमें उसको इंटीग्रेट करना है। ओके थैंक यू, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करना ना भूलिए, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो उनको आप कमेंट में लिख दीजिए।